ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया है जिसे किसी भी कीमत पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरहद पर टेंशन की वजह आर्टिकल 370 का हटाया जाना है इसलिए वो चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल थ्री को फिर से लागू करवाएंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एल पर तनाव की जो भी स्थितियां बनी हैं वो 370 को ख़त्म करने की वजह से बनी हैं आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के फैसले को चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया हम ये उम्मीद करते हैं कि चीन की ही मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 और 35 ए को बहाल किया जाएगा हालांकि फारूक अब्दुल्ला का ये बयान चौंकाने वाला था कोई भी भारतीय उनके बयान को कबूल नहीं कर सकता इसीलिए बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला को जोरदार जवाब दिया उनके इस बयान को देश विरोधी बताया अनुच्छेद 370 का हटाना इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे ये अपने आप में ना केवल समझ से बाहर है ना केवल निंदनीय है मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस फारूक अब्दुल्ला जी ने 24 सितंबर अभी चंद महीनों पहले यह कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या वो भारतीय हैं तो लोग कहेंगे नहीं हम भारतीय नहीं हैं हम भारत में रहना भी नहीं चाहते हैं और दुखद विषय था कि उसी स्टेटमेंट में 24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं